लिखल जाओ जिस रफ उस रफ भूचाल आ जाए आसमां से लेकर धरती थर 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 आ जाए। न तलवारों की ढाल से न गोलियों की बौछार से ये पांडा डरता है तो सिर परवरदिगार से। आकाश से चादर तारे मंगा दूं और गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। आप लोगों ने जय माता का आनंद लिया, आप लोग संगीत का आनंद लेंगे, लेकिन पर्चे सुनने के पहले आप लोग शांति मनाएंगे। मैं वादा करता हूं आप लोग शांति मनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप लोग मेरा पर्चे लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां रहने वाला हूं, मेरा नाम जिला मेठी शहर का मैं रहने वाला, मेरा नाम उदयराज शैतान है। ये उदयराज शैतान कोई बात जानता है मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों को नाम और निशान मिटा दे। दोस्तों कहानी पे ध्यान देंगे, कहानी समझ लेंगे तो खेल में बहुत आनंद आएगा। जिला मेठी शहर गांव अमितपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम उदयराज शैतान है। मैं शैतान कैसे बन गया, मेरा परिवार कैसे था? दोस्तों जब मैं 10 साल का हुआ तभी माता पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, सहारा देने वाला कोई नहीं। आप लोग भली भांत जानते हैं जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं वो बच्चा साला कैसा निकलता है। अच्छा संगत मिली तो अच्छा ही निकलेगा, गलत संगत मिली तो गलत ही निकलेगा। दोस्तों मेरी आदत गलत लोगों के पढ़ने को, जैसे मैं गलत निकल गया। कैसे गलत निकल गया? गांजा पीने लगा, चरस अफीम दारू पीने लगा, चूहा खेलने लगा, रंडी कोठे में जाकर मुजरा सुनने लगा। बात को ना बर्दाश्त कर दिया, बात ही बाद में चाकू मार देना मेरा पेशा बन गया था, जेल जाना जेल से वापस आना मेरा पेशा बन गया था। मेरे गांव वालों ने कहा ए उदयराज बेटा तू क्या कर रहा है, ऐसा करता रहेगा तो तेरा भविष्य नाश हो जाएगा, क्यों नहीं तू पढ़ लिख लेता है, अगर पढ़ लिख ले जिससे कि तेरा भविष्य सुधर जाए, बेटा कुछ पढ़ लिख ले तेरा भविष्य सुधर जाए। दोस्तों बात समझ में आ गई, मैं विद्यालय जाने की तैयारी बनाया। हमारे गांव के बगल में सीतापुर गांव पड़ता था जिसमें शिवशंकर किसान रहा करता था। शिवशंकर किसान बहन का नाम था पूनम, पूनम पहले से उसी विद्यालय में पढ़ती थी जिसमें जाने के लिए तैयारी बनाया था। जैसे विद्यालय में कदम रखा मेरी नजर नगिनिया के ऊपर पड़ गई। मेरी नजर पूनम के ऊपर पड़ गई, मैं पूनम को देखता रह गया। कौन पढ़ाई करता है उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ते तक किया, उसके बाद साली मुझ पे मरने लगी। वो मुझसे प्यार करने लगी, मैं उससे प्यार कर ही रहा था। दोस्तों हम दोनों का प्यार काफी दिन सलामत रहा, चलता रहा, लेकिन एक दिन ये पता चला वो पूनम हरामजादिन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो पूनम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जब पूनम विद्यालय में से घर गई तो गांव की औरतों ने देखा, कहा अरे ये पूनम, अरे तो पांव की भारी हो गई है। शिवशंकर को बुलाए, शिवशंकर अरे ओ शिवशंकर तेरी बहनिया तो पांव से भारी हो गई रे, शादी ना विवाह हुआ। शिवशंकर क्रोध में आया, पूनम से पूछा हरामजादिन तेरे पेट में किसका खून पड़ रहा है? बोली भैया किसी गैर का नहीं, जो मेरे साथ में उदयराज शैतान पढ़ते हैं उन्हीं का खून मेरे पेट में पल रहा है। शिवशंकर वह साला क्रोध में आया, अपनी बहनिया का हाथ पकड़ा, सीधा मेरे हवेली पे
मेरे हवेली पे आ गया। मैं कुर्सी पे सिगरेट पी रहा था, बैठ करके आया, मेरे कदमों में माथा टेक दिया सारा। बोला उदयराज शैतान, मैं गरीब हूँ, लाचार बेबस हूँ, अगर आप मेरे बहन के साथ आप शादी नहीं करोगे, मेरी बहन या मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मैंने कहा बात क्या है सुशंकर? बोला उदयराज शैतान, आपके मेरी बहन आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आप मेरे बहन से शादी कर लीजिए। मैंने कहा दाद पगला नहीं दे, शादी की बात है, जा समझ ले, तेरे बहन से शादी कर लिया। बहुत खुश हुआ, चला गया। जैसे साला हवेली से बाहर हुआ, पूनम का बाल पकड़ा, ले गया कमर के अंदर, निकाला चाकू, चाकुओं से गोंद गोंद को पूनम को मार डाला, पूनम को मार डाला, लाश बोरे में भरा उठाकर गटर में डाल दिया। और सोचा कि सुशंकर को क्यों छोड़ दूं, जाता हूं, जहां भी पाऊंगा उसे भी गोली मार दूंगा। गांव में गया, ढूंढने लगा, गांव वालों से पूछा, बे साले शिवशंकर कहाँ है? कहें सर एक हफ्ता से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। हमने कहा जाने दो जाने दो, कभी न कभी मुलाकात होगी तो साले दौड़ा के गोली मारूंगा। ये मेरी पिछली जिंदगी थी, अब मैं उदयराज शैतान नहीं हूँ, उदयराज नेता हूँ, मैं नेता हो गया हूँ। विधायक की प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुखी, सब लड़ता हूँ। जो इंस्पेक्टर थाने में आते हैं वो मेरे इशारे पे आते हैं, अगर मेरे इशारे पे काम नहीं करते सारे तबादला करवा देता हूँ। लेकिन क्या देख रहा हूँ, खाली खाली नजर आ रहा है, हवेली में कोई नजर नहीं आ रहा है। आज यही देखना चाहता हूँ, कौन काम करके पैसा लेता, कौन बैठ कर पैसा लेता। आज आदमी की खाल उठा दूंगा। कहाँ कुकुर आही हो बे यार, मार कुकुर सारे लड़ता है, हम 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 हम। हे बच्चे जाओ निकल लो, अभी बाबू साहब है नहीं, अगर आ जाएंगे ना तो भीषण जूता मारेंगे, भीषण लाठी मारेंगे सारे। आया है कोई ना कोई नौकर जरूर आया है, लेकिन ये साला कुत्ता किसे बना रहा है? पहले एंट्री मेरी हुई, उसके बाद एंट्री इसकी हुई, हम दोनों के सिवा कोई नहीं कुत्ता बना रहा। आओ आज अपनी कुत्ता ही दिखाएंगे। कुत्ता साले कुत्ता, तोहरी मैया का बेटवा लागी, तोहरी बहनी का भाई लागी, तोहरे बिटिया का बाप लागी। कुत्ता ही बड़े इनका कहावे करा थे सारे का, कि कुत्ता भगवान खिया से नंगा आवा थी, भगवान खिया तक नंगा चला जा थी। जब तक रहे ये साले नंगही वाला काम करे, कितना बढ़िया कहूँ पूजा पाठ करता रहा, लेकिन ये जहाँ पहुंचे टांग उठा के एक नंबर जरूर करी। इनका चार छह लाठी दे देता वे सारे थूथरा थी। आवत है आते तेरी कुत्ता की माँ की आज। अरे हराम दादे मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम दादे। क्यों बे कुत्ता किसे बोला? आम सवरी। आम सवरी क्या है? एक दाई जाई दे। कितना जाने दूं साले? गलती यानी कि गलती माफ कर दो। लेकिन कितनी बार गलती माफ करूं, जब आता कोई न कोई बहाना करके आता है। अब बोलता है बाबू साहब गलती हो गई, गलती माफ कर दो। तेरी गलती बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। चल ठीक है गोली नहीं मारूंगा, लेकिन ये बता तू कहाँ था, क्या कर रहा था, जो लेट हो गया साफ साफ बताना, नहीं उधेड़ दूंगा साले। आप ऐसे तस्वीर ला, फोटो खींच कर ब्लैकमेल करेगा? नहीं नहीं नहीं, तशरीफ रखिए, ऐसे ऐंठ ही जाते हैं। नहीं बरर जाए, बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाओ। तौने गज गज चम फंस गए यार। बाबू साहब लेट लपेट ना करे, कल जब आप खिया से हम छुट्टी पाए चला गए घरे, घरे चला गए, हम सोचत ही रात भर की यार सवेरे राखी उबान है जाए के बाद ड्यूटी जाए, बस कैसे करी हम के भाई, कल तो दिन व्यस्त रहा, हम राखी बांध के ड्यूटी चला जाए, हम कहे नहीं अजुआ अपन काम कर ले। जब आपके हवेली से निकले बाबू साहब,
जैसे पहुंचे कंचनपुर चौराहा डाके, हरिसेनगंज एक चौराहा पड़ा था, हरिसेनगंज चौराहा पड़ा, जाली डाक के दहने साइड चला गए, दहने साइड चला गए, हुआ हमार तीनों दुकान पे दूध वाली। अच्छा अच्छा। तीनों दुकान पे पहुंचे, दुकान पे दूठी पिंडीज वाला दूध ले भाई, तो भाई दूठी लीन जेबा में धई लीन, हमके अब का करी यार, अब का करी, घरे चलते ही भाई, ढेर दिन के बाद चलते ही आगे पहुंचे ददोली पे, नहर ददोली पहुंचे, हमारे कई दुकान लगी रहा, डेढ़ किलो गुस्साए के मछरी के छाटन ले लीन करिए पन्नी में, और क्या बाबू साहब, हाँ बाबू साहब के जाते ही ढेर दिन के बाद बढ़िया खा पिए काल राखी बांध जा लेके, जब पहुंचे बाबू साहेब घरे, जैसे हम घरे पहुंचे देखा तही हमार मेहररुआ नहाय धोय के नई नई धोती पहन के भगवान के देह में जुटी रहे, अरे एक लोटा जल चढ़ावत रही, जल चढ़ाती भक्ति न है, भक्ति निया ओका भक्ति भक्ति सब कहबो करा थी, हमारे लगा फिर निरोध बाबू साहेब, निरोध लगा हाँ। ये आगे हमारे भाले के वंश जो कि पहुंचे, हम क्या कर रहे भगवान का जल चढ़ावत या देख, हम आई है, हम देखते ना ये, हम आई है ना, आन्हर यहाँ नहीं देखती है, तो हार आंखें फूट गई बा आन्हरे का आन्हर कहबा तो बुरा ना लागी, बेसुरा का बेसुरा कहबा तो बुरा ना लागी, लाइकट का लाइकट कहबा तो बेसुरा ना लागी, साले कहता है आन्हर यहाँ कहा बुझेरब, हम तोर में गारू है, नहीं अपने मेहरारू में कहा, वो अपने बीबी को बोल रहा है हाँ, लेकिन हमार मेहरारू हमारे तरफ देखत नहीं बा, हम के देख देख है एमुर देख, अरे हम ही हम का देख, हम तोर मन सेधु है, तोर भता रही आई यही, खाना के दे पानी के दे, हम का ख्याल के रखी, आखिर हमारे लगे तय ना ओलर बे बुजरी के ओलर बता, आज हम ओलर भाई हम तो है मेहर यही, हम तोरे लगे ओलर अब सारे ऐसा बोल, मैं अपनी बीवी को डांट रहा हूँ, इशारा मेरी तरफ क्यों करता है बे मेहरारुआ, इसे कहा लागे उधर बता, मेहरारुआ लोटा फेंक के हमारे तरफ लखेस, लखेस बाबू साहब वह निरोध में आएंगे, क्रोध में आएंगे, का हे 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 दहजरा का नातिया, हे माटी दिया उन्हें कवन दिन हो तय मर जा, तोर मट्टी चली जा, चार के कान्हे जा, तोर मुंह न देखी, हे कनवा दहजरा का नातिया, हमाहिन मारी हमारे मट्टी में जा गया, अब आई स्टार्ट ही हो दिया है, छुरी लोटा लेके बैठ गया सारे, अपने बीबी को डांट रहा सारा, मेहरारू हमार मेहरारू तुझे डांटने लगी, आगे बैठेगा सारे कि यहीं पर अटका रहेगा, आज कवन दिन हो तय मर जाते, जब तक आवा था तब हमका मारा था, कहूँ दारू पी के हुए, कहूँ गांजा पी के हुए, कहूँ मछली खा के हुए, पूजा पाठ में बिखन कर थे, कवन दिन हो तो मर जा, माटी दिया ने तोर मुंह ने देखी सारे, बार बार इशारा मेरी तरफ कर रहा है, उल्टी सीधी हरकत तू करता है, तेरी बीबी तुझे डांटती है, इशारा मेरी तरफ करता सारे, मेहरारुआ हम का बिगड़ेला, चल डांट दिया आगे क्या हुआ बता, मेहरारू के आगे हाथ जोड़ लेन हम के, हे लक्ष्मी तू लक्ष्मी है, हम तो हार मन से धू है, कहा देखा मन से धू शराबी मिल जाए तो वो मेहरारू परेशानी बा, अगर मन से धूम मर जाए तो वो मेरा रुख परेशानी बा, तो हमार देवता है ऐसा कुछ कार्य करा कि हमका तकलीफ न हो, हम के का करी, कहा रे हमारी तिरा पूजा पाठ करा, भगवान से नाता जोड़ रहे हैं, जन्म में नहीं अगले जन्म में जीवने माना हुआ, लड़का बच्चा सुख शांति से रहा, मेहरारू का बात हम मान ली, हम समझ गए कि हमार मेहरुआ लक्ष्मी की बहनी है, हाँ पूरी लक्ष्मी बा, पूरी गऊ है कि हम कही थी बैठ तो उलर जात, कहा आवा ना नहीं, कहा आवा आराम विश्राम करा, कहा तू रोज नौकरी करत रहा, मेहरारू की बात मान लीन बाबू साहब, भक्ति के और हमार नजर दौड़ गए, चल दी ने घनघोर जंगल में पहुंचे, हुआ मनई न मनई की जात कोई नहीं, क्या बात,
खड़ा हो गए आँखें मून लेन, लागे जल्दी जल्दी भगवान का हम करें। करते 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 आँखें खोले भगवान है न मिले हम के यार, कैसे भगवान मिले। वही बाबू साहब हम बासन मार के बैठिए, बासन मार के बैठ गए, आँखें बंद कर लेन, हाथ जोड़ लेन, लागे जल्दी जल्दी भगवान का करें। करते 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 आँखें खोले भगवान है न मिले हमके यार, भगवान कैसे मिले, जब तक मिले ही ना हम जा बना। वही ओलर के ओलर गे की ओलर गे आँखें मूल ली, लागे हाथ जोड़ के भगवान का ओलरे ओलरे करें। करते 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 हमारे कान में आवाज आई गई, कान में आवाज आई गई, का ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, ए ए बेटा, ए मैं हूँ बे, मैं हूँ बेटा, अबे देख ना मैं आया हूँ बेटा, अबे बोल। तू आ गया है, मैं क्या करूं साले। अबे जो आज आई तेरे कान में, बोली ये बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है, क्या चाहता है, बोलना ऐसे बता साले। तो मुझे कह रहा बे आपका भगवान आए लागे कहने बेटा, सुनो कहा बेटा, मैं आ गया हूँ, अबे देख ना मैं आ गया हूँ, अबे काना है क्या साले, नहीं देख नहीं सही बोले साले, काना हमका देखे सारे बार बार काने ही कहा आराम जाते नहीं। भगवान ने हमका कहा कहन देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, आग खोल दिन देखत रही तो हमारे सामने फरसा पे सवार भैंसा हाथ में लेके यमराज महाराज आ गए। चुप खाले नहीं दो, फरसा सवार हो गया रे थे अब भैंसा वही हाथ में उठा ले रहे, भैंसे सवार होकर फरसा हाथ में लेकर चले आ रहे थे युवराज। तो हम कहे महाराज, हाँ प्रणाम कहन खुश रहो। हम कहे महाराज बड़ी पूजा परिश्रम करे के बाद आपका दर्शन मिला, कहन कि देखिए मैं आ गया हूँ, क्या चाहिए। बोल बेटा तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मैं तेरे ऊपर खुश हूँ, बोल मांग क्या चाहिए बेटा, अबे मांग ना क्या चाहिए। मांगी सारे बार बार हम इनके कहता सारे, हाँ भगवान भगवान तुझे बोले तुम्हारी इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है साला, कह रहा है ए बेटा हमने कहा महाराज अगर आप हमको देना चाहते हैं तिरवाचा बांधिए, भगवान ने तिरवाचा बांध लिए कि जो तुम मांगोगे सो हम देंगे। हम सोचे बाबू साहब कि आज के जमाने का मानव बड़ा लालची होता, हम कहा महाराज हम अपने लिए नहीं जो मांगेंगे सिर्फ आपके लिए। भगवान ने खुश हो गए कि ऐसा भक्त मैं पहली बार देखा जो हमारे लिए मांग रहा है। हम के महाराज हमको तीन वरदान दीजिए, भगवान ने कहा बोलो। हम के पहला वरदान यह दीजिए कि आप जिस भैंसवा पे सवार होके आए हैं वो भैंसवा का सिंह दो है लेकिन दोनों जुट करके एक हो जाए, लाज जुटेगी, कर 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 चर 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 पर 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 जुट के एक हो गए। कहन पहला वरदान दे दिया, मांग दूसरा मांग क्या चाहिए, बोल बे क्या चाहिए, बोल क्या मांगता है वे, बोल बोल क्या मांगता है तू, क्या मांगता है वे। बार बार मांगते बेड़िया बहचरिया बनाए पड़ा, सामने बैठे है हमारी सारे कर भगवान हमसे के तुम्हारी इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है। कहन दूसरा वाला बोल क्या मांगना चाहता है। कहन मांग ले बेटा, मांग ले बेटा, मांग कहन मांग बेटा, मांग 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 ले मांग ना। बार मांगे साले बार बार कह रहा है सब बता साले। भगवान से हम कहा दूसरा वरदान यह दीजिए भगवान कि आपके भैंसवा के सिंह जुट हो गई है लेकिन उसी सिंहिया के ऊपर आप बैठ जाइए, तब तो हम कल आगे घी रहे आँखी नहीं पो रहे, हम के फोड़ दिए तोर आँखी चार वरदान दिया बैठा, तब तो भगवान ऐसे कटमटाए के वही सिंहिया के ऊपर बैठ गए, बैठ गए आँखी ओखी निकरी आवती है, पसीना पसीना हो जाता है। कहीं तीसरा वाला मांग ले बेटा,
मांगना मांगना, अबे तीसरा मांग तेरी मैया का। भगवान कहें तेरी माँ की कसम है, जल्दी मांग, मेरे प्राण पखेरू निकल जाएंगे, जल्दी से मांग लो। हम कहे महाराज तीसरा वरदान यह दीजिए कि आप उसी सिंहिया के ऊपर बैठे रहिए, लेकिन सिंहिया जैसे अलग अलग थी वैसे ही फिर हो जाए। लाख सिंहिया अलग आए, चर 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 पर 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 सिंहिया टूट गई कट से, अखिए खुल गए फट। सारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूछता हूँ सारा सपन की बात मुझे बता रहा है, पहले बुझा रहा है, तू जानता मैं किसी गलती को माफ नहीं करता हूँ। ले। लेकिन आज मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश? खुश नहीं सारे झंस है, मैं बहुत खुश हूँ बे। अच्छा खुश आता है बरे? मुझे किसी से प्यार हो गया है। पक्का मेहरा हुआ का है तो? चुप सारे, मेहरा ही अलग बात है, प्यार मोहब्बत की बात अलग। अच्छा कुकुरम करा था? प्यार करता हूँ, कुकुरम भी अलग है। कैसी? बताया को नहीं? नहीं नहीं बताएगा, बड़ी के उसे कह दे बताऊ ना बात से कही बे। जो रामचंद्र की पत्नी छबीली रानी है, जो रामचंद्र की पत्नी छबीली रानी है, नाटी सी है, तगड़ी सी है, गोरी सी है, उसी से मुझसे प्यार हो गया। तो का जवान जहीर क्यों ना मिला, चंद्रमा का नानी मिली बा। रामचंद्र किसान की पत्नी। अच्छा पत्नी? अच्छा हम उससे प्यार काफी दिन हो गए। लड़का ना है भाई? ना भाई चुप साले, सुन छाप हका चुप, पहले पूरी बात सुन ले। अच्छा मुझसे उससे प्यार हो गया, छुप छुप के मिल रहा हूँ। बोली मैंने कहा छबीली रानी ये छुप छुप कब तक मिलता रहूंगा, कब तक मिलूंगा, कभी घर बुला कहा मेरे राजा कैसे बुलाऊं, परेशानी दिक्कत है। मैंने कहा क्या परेशानी दिक्कत है? क्या है? बोले मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम मनोज है, वो पढ़ाई लिखाई तो किया लेकिन इधर उधर दरबदर ठोकर खाता रहता, आप उसको कहीं नौकरी लगवा देते। वो तो आपके उंगली का खेल है। मैंने कहा संभाल, नौकरी लग गई वाह, मिर्जापुर की स्टील फैक्ट्री में उसे मैनेजर के पद पर रख दिया वाह, तब का था। और उसकी शादी भी करवा दिया जेब से खर्च लगा कर। तब का हुआ? और उसकी पत्नी का नाम अनीता है, वो मैके में रहती है। हाँ अब मैं बोला अब उसको करवा दिया, वो ड्यूटी पर रहने लगा, अब तो आऊं। बोली मेरे राजा आप भी समस्या है। ओके मैंने कहा अब क्या समस्या है? बोली मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम नीतू है, नीतू वो पढ़ने नहीं जाती है, विद्यालय नहीं जाती है, वो घर में मेरे साथ रहते, कैसे तुम्हें बुला लूं? लेकिन हाँ कल जाएगी, कल जाएगी सुबह 7 बजे, जब वो चली जाए तो आ जाना, मिलकर मौज मस्ती करेंगे। लड़का हो कि ना हो, सब सारे लड़के पीछे पड़ा। अबे आज वो विद्यालय गई है, घर पूरा खाली पड़ा है। अच्छा अच्छा हाँ, अब आज उससे मिलने चलना है। कैसे कैसे चलना है दोस्तों? बता दे आलोक चाचा, नंबर की नौटंकी होगी दावा करता हूँ, लेकिन पीछे शोर शराबा नहीं, नौटंकी बढ़िया होगी दोस्तों, वादा करता हूँ, लेकिन शोर शराबा नहीं। कैसे चलता हूँ? छबीली रानी प्यार सबसे किया नहीं जाता, और दिल हर एक को दिया नहीं जाता, चाक दामन को सिर सकते, जख्म दिल का सिया नहीं। जा जा।
दिल में छबीली रानी सारे मा गमा शरण सारे गामा पाधानी आ गए आशा गुरुजी नकारा 60 पे हमारे पनवाड़ी भैया जो बिलाग में रहते हैं आवाज को सुनते हुए शहर को सुनते हुए बहुत आओ दिल्ली में बसा के इस तरह भाई साहब मालिक तुम्हें सलामत रखे बसा के इस तरह बहुत सी माया दिए जो बंबई वर्ली में रहते हैं हो गई है मुझे बदी नसीब से क्या भूल बहुत सी माया थी भैया धन्यवाद चामा I'm